सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई ट्रेंड चलता ही रहता है। अब सोशल मीडिया पर बीते रविवार से एक ही स्लोगन नजर आ रहा है, वो है ऑल आइज ऑन रफा। यूजर्स इसकी स्टोरी लगा रहे हैं। भारत में हर फील्ड के लोग इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं, यहाँ तक कि फिल्म स्टार भी इसी स्लोगन की स्टोरी डाल रहे हैं। अब स्टोरी के पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल बीते रविवार की रात इसराइल ने गाजा के रफा शहर के शरणार्थी शिविरों पर हमला किया। इस हवाई हमले में 45 लोग मारे गए और कई दर्जनों लोग घायल हो गए। इस एयर स्ट्राइक के बाद से दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड करने लगा। लेकिन इस ट्रेंड का मतलब क्या है? इस स्लोगन का मतलब दुनिया भर के लोगों से अपील करना है कि वे फिलिस्तीन में हो रही घटनाओं से मुंह ना मोड़े। वैसे तो ये स्लोगन कई दिनों से चल रहा था, लेकिन रफा में इजरायली हमले के बाद ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, साथ ही राजनेता भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ गए। सब सेलिब्रिटी अपने सोशल मीडिया पर रफा के लिए स्टोरी डाल रहे हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने लिखा कि लोगों को जिंदा जला दिया, वो अपने तंबुओं में सो रहे थे और सुरक्षित थे। हम किस नरक की दुनिया में रह रहे हैं? ये लोग कैसे हैं जो जले हुए लोगों और सिर कटे बच्चों को देख सकते हैं और उन्हें बुरा तक नहीं लगता? सत्ता की भूखी दुनिया ने मानवता को निराश कर दिया है। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए टेंटों में हुई बच्चों की हत्या को गलत बताया। आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, वरुण धवन, रश्मिका मंदाना, सोनाक्षी सिन्हा, समांथा, तृप्ति दिमरी, दिया मिर्जा और ऋचा चड्ढा सहित कई इंडियन सेलिब्रिटीज ने अपनी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस वायरल स्लोगन को शेयर करके फिलिस्तानियों को सपोर्ट किया है। रफा में हुए हमले और इतने लोगों की मौत, उसके बाद दुनिया भर की आलोचना के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री ने इसे दुखद घटना बताया और कहा कि इसराइल से गलती हो गई। उन्होंने कहा कि इसराइल की कोशिश होती है कि नागरिकों को कोई नुकसान ना पहुंचे। हालांकि इस घटना की जांच की जा रही है। एक आंकड़ा है जो आपको हैरत में डाल देगा। 2023 में शुरू हुए इजरायली हमलों के बाद अब तक फिलिस्तीन में मरने वाले लोगों की संख्या 36,000 से भी ऊपर जा चुकी है। दो देशों, दो राजनेताओं और सीमाओं की लड़ाई में अक्सर निर्दोष लोग मारे जाते हैं, चाहे वो इसराइल फिलिस्तीन जंग हो या यूक्रेन रशिया। मरने वालों की संख्या निर्दोषों की ज़्यादा होती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ हिमानी श्रोत्रिया, देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए नेशन मिरर।